अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्दुल्ला व्लॉग ज़ाबित के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, शाम 5 बजे मुझे घर के लिए भी निकलना है। तो आज कराची में वापस पता नहीं कब आऊँगा कब नहीं। तो मैं चाह रहा था एक बार फिर सिंध का हसन अली से आपकी मुलाकात करवाएँ, तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा था। तो भाई हसन अली साहब अभी पहुँच गए, तो जा रहे थे, मैंने कहा क्योंकि साथ चलते चलते एक वीडियो बना लेता हूँ, मिलवाते हैं आपको सिंध का हसन अली से। ये हमारे भाई जा रहे हैं अभी, और ये अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कह रहे थे कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा कैमरा के सामने। इनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड अच्छी तरह हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह इनसे बातें भी किया करेंगे और आपकी भी गपशप करवाएँगे और टिकटॉक भी बनाया करेंगे। लेकिन आज कराची में मेरी ड्यूटी का आखिरी दिन था। वीडियो में साथ रहिएगा, मिलेंगे शाम को इंशाल्लाह 5 बजे जब मैं निकलूँगा, तो ब्लॉग बनाते हुए जहाँ जाऊँगा, और वीडियो में साथ रहिएगा इंशाल्लाह। एक दो बातें भी शेयर करूँगा, शायद वो उसमें आपका कुछ अच्छा हो जाए। तो इसी के साथ अभी हसन अली भाई जो हैं ये चले जाएंगे, और मैं यहाँ से अपनी कंपनी की तरफ चल जाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये जी हसन भाई अभी जा चुके हैं, और मैं इंशाल्लाह मैं छुट्टी करके निकल चुका हूँ और बस अड्डे की तरफ जा रहा हूँ। देर हो गई थी, लेट हो गया था वहीं पे, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका, तो अभी बना रहा हूँ। ये देखें मुसाफिर, सारे मुसाफिर हजरात, कोई किसी को छोड़ने आया और कोई अकेला जा रहा मेरी तरफ। अल्लाह करे ना, उस दिन हुआ ऐसे था, हम लोग निकल आए थे तो उसके बाद मोटरवे बंद कर दिया था। सफ़र में साथ अच्छा मिल जाए तो सफ़र और चल ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये दानिश भाई PIB कॉलोनी से। नमाज के लिए जाते हैं, तो देखते हैं ये जगह कौन सी है। बुराक रेस्टोरेंट, बुराक पे मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। माशाल्लाह से ये मस्जिद है, ये मुसाफिर नमाज पढ़ रहे हैं अभी हमारी गाड़ी के। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के निकले, इशा की नमाज और रात का खाना हम एक साथ खाएंगे। 8021 sorry 21 9 8 9।
फ्रेश हो जाओ। फजर की नमाज से पहले ब्रेक नहीं हो। और इस बैग पर मेरी कहानी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो ये जी चाय बन रही है माशाल्लाह से। माशाल्लाह एक आदिल शाह, दूसरी और ये तीसरी आदिल शाह। बात ये थी मेरे भाइयों के साथ, उस वक्त ये हादसा पेश आया जब वो एक ईद, छोटी ईद पे एक दफ़ा वापस आ रहे थे इस्लामाबाद से। तो छोटा भाई सो के उठा, जैसे अब मैं सो के उठा था, तो उसने अपना भाई लैपटॉप, कैश सैलरी थी उसके पास, बड़े भाई के भी पैसे उसी में थे और अपने भी उसने बैग में रखे हुए थे, पॉकेट में रखते नहीं थे। तो वो बैग जो ना तो भूले ना उन्होंने जानबूझ के छोड़ा, बस नींद में उठे, सहरी का टाइम था, उन्होंने कहा कम टाइम के लिए गाड़ी रुकती है, सहरी करें, रोज़ा रखें और निकल जाते हैं। लेकिन वो सहरी करने के लिए उतरे और बैग उधर अंदर था, सहरी करके वापस गए तो जनाब वहाँ पे बैग मौजूद नहीं था। बहुत भाग दौड़ की कि ये बैग वापस मिल जाए, किसने चुराया है पता चल जाए, कौन है इसका जिम्मेदार, या क्योंकि छोटे भाई के डॉक्यूमेंट्स थे उस पर और कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट्स थे, तो उसके प्रोजेक्ट वगैरह थे और काफ़ी यानी कि नुकसान हुआ हमारा माली भी और उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चोरी हो गए, तो ज़ाया गई वो चीज़ें, यानी कि उस बंदे के तो काम की नहीं थी। लेकिन मेरे छोटे भाई को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना रहा। तो बात शेयर करने का मकसद ये है कि जब भी कभी आपकी गाड़ी, आप सफ़र कर रहे हों और गाड़ी कहीं रुकती है ना, तो आप लोग अपना जो कीमती सामान, डॉक्यूमेंट्स जिसमें मौजूद है जिस बैग में, या जिसमें पैसे मौजूद है, या जिसमें कीमती कोई सामान है जैसे लैपटॉप है आपका, कोई मोबाइल है, कैमरा है, या कोई ऐसी चीज़ ज्वेलरी वगैरह, तो वो बैग काइंडली उस बस में ना छोड़ें, वो साथ लेके उतरें। किन्नू एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरा डॉक्टर अफान साहब जो है ना, इन्होंने तो इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। और जब वो गंबड़ में हुआ करते थे, ये अभी जब हम ये दौलतपुर आगे क्रॉस करेंगे सीपैक चढ़ने से पहले, सखर के एरिया में एक इलाका है गंबट का, जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस करते थे गंबट लिवर ट्रांसप्लांट, मेरा ख्याल है गंबट लिवर ट्रांसप्लांट में ही थे वो। तो वो उस वक्त जब कभी इस हाईवे पे सफ़र किया करते थे तो अक्सर वो सिर्फ ये ना, उस वक्त सर्दी का मौसम था, तो किन्नू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे उन्होंने बताए। तो मेरे ख्याल में सफ़र में ये खाना भी चाहिए और इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं तो अक्सर ही सफ़र में रोटी या कुछ ऐसी चीज़ खाने की बजाय मैं इस तरह का फ्रूट खा लेता हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये जी हाँ, अभी कोई भी नहीं आया, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ गाड़ी में। जी जी, डॉक्टर खान साहब जिंदाबाद, बहुत अच्छी यानी कि इन्फॉर्मेशन देते हैं वो, खासकर इस किन्नू की जो अफादियत उन्होंने बताई है ना, आज तक किसी डॉक्टर ने इस तरह बताई नहीं थी। और मैं तो तब से सफ़र में जो किन्नू फ्रूट्स का ही इस्तेमाल करता हूँ, रोटी नहीं खाता, बहुत कम खाता हूँ। और अफान साहब कभी भी ये वीडियो देखेंगे तो अप्रिशिएट लाजमी कीजिएगा मुझे, एक आध बिजी है इसलिए इस तरह खा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ साथ में। तो नाज़रीन अभी हम उतरे हैं यहाँ पे, ये काफ़ी बड़ा शॉप है पठान होटल अड्डा, पठान होटल जो है ना। तो नाज़रीन नमाज़ पढ़ चुके हैं हम, ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे होती है, अच्छी की नस्बत यहाँ पे ठंड ये भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो फील लाइक टेम्परेचर है वो कितना हो रहा है, 11 फील्स लाइक टेम्परेचर 11 है और यहाँ पे इन दिनों में टेम्परेचर तकरीबन 6-7 तक हो जाता है। ये देखिए ये माशाल्लाह से पूरा ट्रक अड्डा बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ये ट्रकिंग स्टेशन भी है और ड्राइवर होटल भी।
हम चढ़ते हैं अभी गाड़ी में तो निकलते हैं। ड्राइवर साहब आ चुके हैं और अभी मैं भी निकलता हूँ। तो अभी अपने सीट पे जाके बैठ जाता हूँ, सफ़र दोबारा शुरू होगा और आधे घंटे बाद मैं घर पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। हम सीट पे बैठ चुके हैं आके और अभी निकलेगी गाड़ी। तो हम सफर अपना दोबारा शुरू कर चुके हैं पर माशाल्लाह से आज धुंध नहीं थी, जिस वजह से हमारा सफर जो है ना बहुत अच्छा गुजरा है। धुंध की वजह से मोटर पे बंद कर देते हैं, अच्छी बात है कर देते हैं क्योंकि एक्सीडेंट से बच जाता है, बचत हो जाती है एक्सीडेंट से। और जब फिर लोकल गाड़ियों वाले किसी दूसरे रोड पे गुजारना शुरू करते हैं गाड़ी तो तब भी इंसानी जानों के लिए तो बहुत ख़तरा होता है। तो बराए मेहरबानी ड्राइवर हजरात से दरख्वास्त है कि जब कभी धुंध हो तो कोई शॉर्टकट भी ना अपनाएं, जब तक विजिबिलिटी सही ना हो जाए धुंध की वजह से तो तब तक आप गाड़ी ना चलाएं, रोड पर ना चलाएं। और धुंध की वजह से जो है बहुत सारे हादसात होते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था उस दिन धुंध थी, तो इस बार धुंध नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सफ़र गुजरा हमारा। और अभी 6:15 हो रहे हैं, इंशाल्लाह अभी निकल चुके हैं यहाँ से। ठीक है लाला, बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह। ये जी भाई ने हमें उतार दिया और हम निकल चुके हैं। अच्छे वाले से पता करते हैं कौन जाता है, चलते हैं अभी। लेकिन मोबाइल वगैरह छीनने का कोई डर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सही ठाट जाना। हाँ जी, ये जी आप ये भाई को मैंने जब आया नहीं था और ये अब्दुल्ला भी और अनाया भी। ये देखें, ये मेरे जाने से पहले जा चुके थे, मुझे भी नहीं सोने दिया और खुद भी नहीं सो रहे अब। जब मैं जब आया हूँ तो ये सो रहे थे, सिर्फ अब्दुल्ला मुझे गेट पे लेने गया है और अभी वो भी जाग रहा है। नाए सोना नहीं का नहीं क्यों मतलब तुझे नहीं सोना नहीं क्यों नाए पाली दी ऐ ले जल्दी का ला रूल रूल गया है वहाँ गैस तो रूल गया हमने। अच्छा बाहर जाना ना जैकेट पा लियो, टोपी पा लेनी है। चलो बाय बाय करो, बाय बाय कर दो, बाय बाय इधर, बाय बाय कर दो, बाय बाय करो ना पहले, बाय बाय इधर भी हाथ ला के बाय बाय करो, बाय।
बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नया अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अब्दुल्ला, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। मैं गया, अच्छा अच्छा चल फिर कह दे के अल्लाह हाफिज़, गुड बाय गुड बाय, चलो 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 चलो, बाय 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 बाय।